कैसी हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं सुनाऊं। खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से, जिम्मेदारों की अनदेखी से वन माफियाओं के हौसले बुलंद। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वनों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की अनदेखी के वजह से वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बाराबंकी जनपद के थाना मसौली वन रेंज बाराबंकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरबिसावा मजरे बिरौली में स्वर्गीय राम गोपाल वर्मा की बाग में माइनर किनारे 3 हरे भरे आम के देसी प्रतिबंधित पेड़ों को वन माफियाओं ने रात के अंधेरे में पुलिस व वन विभाग कर्मचारियों की मिलीभगत से बगैर परमिट के काट कर नष्ट कर दिया। बताते चले कि आए दिन लगातार वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिम्मेदारों की मिलीभगत से हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों की कटानों की सीमा चरम पर है। तो वही दूसरी तरफ भी बताते चले कि थाना मसौली वन रेंज मसौली अंतर्गत गुरेला का पुरवा में निर्मल की बाग में 2 पेड़ देसी सूखे आम के वन माफियाओं ने रात के अंधेरे में पुलिस व वन विभाग कर्मचारियों की मिलीभगत से बगैर परमिट के काट कर नष्ट कर दिया। जब इसकी सूचना वन कर्मचारियों को दी गई तो वन कर्मचारियों द्वारा कहीं शादी का हवाला दे दिया जाता है तो कहीं दह संस्कार का हवाला दे दिया जाता है। वन माफियाओं का संरक्षण देकर अनेक प्रकार से वनों को नष्ट किया जा रहा है। वन कर्मचारियों को सूचना दिए 15 से 20 दिन हो जाते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। तो ये तीसरी तरफ भी देखते चलिए, बाराबंकी जनपद के थाना सफदरगंज व वन रेंज रामनगर अंतर्गत ग्राम बेलहारी में बिजली बाग के पास चकमार के बगल में लगा हुआ हरा भरा विशाल पुराना गूलर का पेड़ बिना परमिट के वन माफियाओं ने जिम्मेदारों की मिलीभगत से रात के अंधेरे में काट कर नष्ट कर दिया। तो वहीं तीसरी तरफ भी देखते चलिए, बाराबंकी जनपद के थाना सफदरगंज व वन रेंज रामनगर अंतर्गत ग्राम पिलहारी में बिजली बाग के पास चकमार के बगल में लगा हुआ हरा भरा विशाल पुराना गूलर का पेड़ बिना परमिट के वन माफियाओं ने जिम्मेदारों की मिलीभगत से रात के अंधेरे में काट कर नष्ट कर दिया। इसकी सूचना वन कर्मचारियों को दिए हुए सप्ताह भर हो चुके हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। तो वही चौथी जगह भी देखिए, थाना मसौली वन रेंज बाराबंकी अंतर्गत के ग्राम करपिया में वन माफियाओं द्वारा एक सूखा देसी आम का पेड़ बिना परमिट के काट कर नष्ट कर दिया गया। जब इसकी सूचना वन कर्मचारियों को दी गई तो वन कर्मचारियों द्वारा बताया गया, सूचना मिली है दिखवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब देखना यह है खबर प्रसारित होने के बाद इस प्रकरण पर कार्यवाही की जाती है या फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।